जाएगी और जो पुल हम और आप दुनिया के अंदर देखते हैं उस तरीके का पुल नहीं होगा। वो पुल कितना बारीक होगा, हदीस के अल्फाज हैं कि भैया अदब को मिना शार व हद को मिना सैफ, यानी बाल से भी ज्यादा बारीक, एक बाल से भी ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज पुल होगी। उसी पुल से लोगों को गुजरना होगा भाई, कोई बिजली के तरीके से गुजरेगा, कोई तेज रफ्तार घोड़े के तरीके से गुजरेगा, कोई घोड़ा धीरे धीरे चलेगा, कोई ये शरीर के बल घसीट करके गुजरेगा, कोई किसी भी तरीके से गुजरेगा। और जो गुजर नहीं पाएंगे वो जहन्नम के अंदर जो पुल बनाया गया है पुलसरात, उसी के अंदर वो चले जाएंगे। लिहाजा हमें और आपको ये सोचना चाहिए कि यकीनन ईद उन्हीं लोगों के लिए है कि जिन्होंने रमजान का रोजा रखा, अल्लाह की इबादत की, कुरान की तिलावत की और पुलसरात कबूल करने के लिए हर तरीके से कोशिश की। लिहाजा हमारी और आपकी ये कोशिश होनी चाहिए, हमेशा हमारे और आपके दिल के अंदर ये फिक्र होनी चाहिए कि हम दुनिया के साथ साथ आखिरत की भी फिक्र करें। हम आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला जब तक हम तमाम लोगों को दुनिया के अंदर जिंदा रखे, ईमान और सेहत के साथ जिंदा रखे, आखिरत की फिक्र के साथ जिंदा रखे, हम ऐसे जो मुसलमान परेशान हो अल्लाह ताला उनकी परेशानी को खत्म कर दे, हम ऐसे जो मुसलमान बीमार हैं, जो माए और बहने भी बीमार हो अल्लाह ताला उनकी बीमारी को खत्म कर दे, उनको मुकम्मल सेहत याब कर दे, मुकम्मल शफा याब कर दे। इसी तरीके से हमारे अहबाब और रुका, हमारे बुजुर्गान दीन जो भी मकरूज हों अल्लाह ताला उनके कर्ज के पूरा कर दे। हमारे दीगर मुसलमान भाई दुनिया के किसी भी चप्पा और गोशा और कोने के अंदर जिस तरीके से भी अगर परेशान हो, तो हमारी दुआ ये है कि अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर कर दे और अल्लाह ताला हमें और आपको मौका को गनीमत समझते हुए हर अमल उसने अमल करने की तौफीक बख्शे, इखलास के साथ अच्छे अमल करने की तौफीक दे। और अल्लाह ताला जब मौत दे तो इमाम इस्लाम पर मौत दे। बाप रो दामाना अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुआ कर लें।